गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? साहिल गुड आफ्टरनून, विशाल, वांश, कुलदीप गुड आफ्टरनून, था तन्वी, रीना, नमन गुड आफ्टरनून, आयुष जागेट गुड आफ्टरनून बेटा, सोनम गुड आफ्टरनून, मोनिका, पूजा, अनुज सिंह, अमित कुमार, आदित्य सिंह गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो भाई? कैसे होटा? आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, सभी अच्छे से होंगे बेटा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मौसम को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलो बेटा जल्दी से वीडियो को विजिबल कीजिए, विजिबल करो बेटा वीडियो को, वीडियो विजिबल कीजिए। गरम पानी की धारा देखता
जॉब के वार्म करंट्स हैं, द वार्म करंट्स ऑर्बिट नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। गर्म पानी की जो धाराएं हैं, गर्म पानी की महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के आसपास जन्म लेती हैं। इनकी उत्पत्ति कहां होती है? गर्म पानी की धाराओं की उत्पत्ति भूमध्य रेखा के आसपास होती है और ध्रुवों की ओर बहती है। मूव टुवर्ड्स द पोल, ध्रुवों की ओर बहती है। उत्पत्ति कहां होती है? इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास, और बहती किधर है? बहती है ध्रुवों की ओर, पोल्स की ओर। साउथ
66 and half south and south pole का, at south pole visible हो रहा है सभी को, visible हो रहा है डायग्राम, visible हो रहा है। ओके सोनम बेटा दिख रहा है, समझोगा सबसे पहले अपन कौन सी देखते हैं, वार्म फ्रंट्स देखते हैं, पहले कौन सी देखते हैं बेटा, वार्म फ्रंट्स देखते हैं बेटा। वार्म फ्रंट्स कौन सा होते हैं, ध्यान दें वार्म जो फ्रंट्स होती हैं ये चलती हैं ऑर्नाइट नियर इक्वेटर, इनकी उत्पत्ति कहां होती है, इक्वेटर के पास यानी भूमध्य रेखा के पास तो ये जन्म होता है, और चलती किधर है ध्रुवों की ओर, इधर चलेगी बेटा ये इक्वेटर से पोल्स की ओर। ये कौन सी होता है आपके वार्म फ्रंट्स, कौन सी होता है ये वार्म फ्रंट्स होता, इनकी ओरिजिन जो होती है बेटा, इनकी उत्पत्ति होती है वो कहां होती है बेटा, इनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य रेखा के पास, इक्वेटर के पास को इनका जन्म होता है, और इक्वेटर से किधर चलती है ये पोल्स की ओर चलती है, इक्वेटर से किधर चलती है बेटा पोल्स की ओर चलती हैं, ठीक है बेटा, इक्वेटर से किधर चलती हैं पोल्स की ओर चलती हैं बेटा। सेकंड कौन सी बेटा आपके कोल्ड करंट्स, सेकंड है कोल्ड करंट्स बेटा, ये अपोजिट चलेंगे, ये किधर चलेंगे बेटा अपोजिट चलेंगे बेटा, ये है आपके बेटा कोल्ड करंट्स, ठंडे पानी की धाराएं बेटा, ठंडे पानी की धाराएं, जो गर्म पानी की धाराएं होती है बेटा, गर्म पानी लेकर के ठंडे प्रदेशों की ओर जाती हैं, गर्म पानी की धाराएं भूमध्य रेखा से यहां से गर्म पानी लेकर के बेटा ठंडे पानी की ओर ध्रुवों की ओर जाती है, ठीक है किधर जाती है बेटा ध्रुवों की ओर जाती है, और जो ठंडे पानी की धाराएं वो ठंडा पानी लेकर के किधर आती है बेटा, वो भूमध्य रेखा की ओर ट्रॉपिकल रीजन की ओर आती है बेटा, ठीक है दोनों समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, वार्म फ्रंट्स कैसा पानी लेके आती है गर्म पानी लेके आती है, ठीक है किधर चलते बेटा वार्म फ्रंट्स इक्वेटर से पोल्स की ओर, कोल्ड करंट्स कैसा पानी लाती हैं ठंडा पानी लाती हैं बेटा कोल्ड वाटर लेकर के आती हैं, किधर चलती हैं पोल्स से इक्वेटर की ओर, पोल्स से इक्वेटर की ओर, और अगर मान लो दोनों कहीं मिल जाए तो दोनों एक ही रूट पे जा रही है बेटा, ठीक है एक जा रही है ध्रुवों की ओर एक आ रही है ध्रुवों की तरफ से, यानी एक गाड़ी जा रही है बेटा जयपुर से दिल्ली की ओर और एक जा रही है दिल्ली से जयपुर की ओर, और अगर दोनों टकरा जाए ठंडे पानी और गर्म पानी की धाराएं कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स यदि बेटा एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से यदि मिलती हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा यदि दोनों धाराएं कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स यदि बेटा एक दूसरे से मिलती है तो क्या होता बेटा उस जगह पे कोहरा बन जाता है, वहां पे क्या बन जाता बेटा कोहरा बन जाता है, क्या बनेगा बेटा वहां पे कोहरा बन जाएगा फोग, और वहां पे बेटा पानी क्या होगा बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होगा बेटा, दोनों मिल गए ना गर्म पानी में ठंडा मिल रहा है ठंडे पानी में गर्म मिल रहा है, तो ऐसी जगह पे बेटा जहां पे दो अलग अलग टेम्परेचर की धाराएं मिलती हैं वहां पे मछली बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, मछलियां क्या पाई जाती है बेटा वहां पे बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए मछली पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है मछलियां पकड़ने के लिए बेटा सबसे बढ़िया जो जगह होती है वो कहां पे होती है
जहां पे ये दोनों धाराएं आपस में टकराती हैं, जहां पे ये दोनों धाराएं आपस में टकराती हैं वहां पे क्या होता है, मछलियां पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है। चलो बेटा जल्दी से काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। डन बेटा, स्क्रीनशॉट डन। मोनिका हो गया बेटा, वंश हो गया बेटा, सोनम हो गया, तानवी हो गया बेटा, दीपशिखा हो गया बेटा, ओके बेटा, समझ में आ गया बेटा सभी के अच्छे से, समझ में आ गया बेटा अच्छे से, ऑप्शन ग्रांड समझ में आ गया बेटा, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज देखो बेटा, एक्सरसाइज देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर वन बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा इसका, फर्स्ट व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन बेटा आपके नोट्स में है, प्रिस्क्रिप्शन आपके नोट्स में बेटा, सेकंड वाटर साइकिल आपके नोट्स में है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स आपके नोट्स में बेटा, ठीक है, फिफ्थ व्हाट इज व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड नोट्स में बेटा, व्हाट आर ओशन करंट्स ये भी आपके नोट्स में, एक क्वेश्चन जो आपके नोट्स में बेटा करा देता हूं, ठीक है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मोमेंट ऑफ ओशन वाटर का, विच फैक्टर नवल किशोर का बुक नहीं है, परचेज योर बुक बेटा, जिन स्टूडेंट्स के पास डियर स्टूडेंट्स बुक नहीं है परचेज कीजिए, आपकी एक बुक कंप्लीट होने वाली है बेटा, ठीक है, एक बुक आपकी कंप्लीट होने वाली है, अगर आप परचेज नहीं करोगे तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा।
आंसर होता डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर होता ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून Oceans, water,
into sardine, oceans, water, into oceans, water is salty. Because it contains a large amount of salt. Dissolved in it. In it, beta. Ocean water is salty. Ocean water is salty. Because it contains a large amount of salt. A large amount of salt discovered in it. क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हवाएं अपने साथ नमक के कणों को उड़ा करके ले जाती हैं और उन्हें बेटा क्या करती हैं, महासागरों में डाल देती हैं। ठीक है बेटा, हवाएं क्या करती हैं, अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में हवाएं अपने साथ का बहुत बड़ी मात्रा में नमक के कणों को उड़ा करके लेके जाती हैं और उन्हें महासागरों में डाल देती हैं। नदियां अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में बेटा एक लार्ज अमाउंट के अंदर नदियां अपने साथ एक बहुत बड़ी मात्रा में नमक को पानी में घोल करके लेके जाते हैं बेटा। जो मिट्टी में नमक होता है, सोयल होता है, साल्ट सोयल में बेटा जो आपके साल्ट होता है उसे रिवर्स अपने साथ ले जाती हैं और फिर क्या करते हैं उसे महासागरों में डाल देती हैं। इसकी वजह से महासागरों का पानी कैसा होता बेटा, महासागरों का पानी साल्टी होता है। दो मुख्य कारण बेटा, कितने कारण बेटा आपके, दो मुख्य कारण है। फर्स्ट जो कारण है बेटा, पहला जो कारण है बेटा वो है नदियों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में अपने साथ नमक उड़ा करके ले जाना और उसे महासागरों में डाल देना। सेकंड जो कारण बेटा, दूसरा कारण बेटा कि पानी के साथ बेटा बहुत बड़ी मात्रा में नमक घुल करके कहां पहुंच जाता बेटा आपके, नमक घुल करके और महासागरों में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता बेटा आपके, महासागरों में पहुंच जाता बेटा, जिससे वहां का पानी क्या हो जाता बेटा, साल्टी हो जाता है, खारा हो जाता है। क्लियर है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज
डेट्रोटिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेट्रोटिंग। पानी की जो बेटा गुण है, पानी के जो गुण बेटा वंस बेटा सर साल्ट को ओशन में से निकालते हैं या मिट्टी में से बेटा ओशन में से जो आपके सफेद नमक होता है खाने में जो आप सफेद नमक काम में लेते हैं ये निकलता बेटा खारे पानी की झीलों से और महासागरों से। जो आपके सफेद नमक होता है ना टाटा सूर्या ठीक है ये कहां से निकलता बेटा समुद्र और खारे पानी की झीलों से निकलता है। और जो आपके काला नमक होता है ब्लैक सॉइल सॉल्ट जो होता है या आपका बेटा सीधा नमक होता है जो अक्सर महिलाएं व्रत में काम में लेती बेटा वो होता है मिनरल्स वो बेटा मिट्टी में से निकाला जाता है खानों में से निकाला जाता है खोद करके ठीक है। फर्स्ट देखो बेटा डिफॉरेस्टेशन पहला क्या है बेटा डिफॉरेस्टेशन सेकेंड बेटा थ्रोइंग वास्ट एंड गार्बेज इन वाटर बॉडीज इन वाटर बॉडीज का केमिकल रिलीज from industries in water bodies chemical released from industries in water bodies right or not प्रियांशु राइट बेटा नो राइट फास्ट बेटा यस चलो बेटा जल्दी से राइट कीजिए जिन स्टूडेंट्स ने राइट नहीं किया बेटा जल्दी से राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा टिक द करेक्ट आंसर टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट बेटा ए सेकंड बी थर्ड अलावा ए क्वेश्चन नंबर फोर अपना मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग का ए बी C
सी और डी। फर्स्ट किससे मैच करेगा बेटा? ए से करेगा, सेकंड बी से करेगा, थर्ड सी से करेगा, फोर्थ किससे करेगा बेटा? फोर्थ करेगा डी से। फोर्थ किससे मैच करेगा बेटा? डी से। नाउ आज की क्लास को करते हैं बेटा ओ, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।